जब आपने पहली गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो शिर्क का खात्मा हो गया, कुफर अब भी था। जब आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो कुफर भी गया, लेकिन मुनाफ़िकत अब भी है। मुनाफ़िकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफ़िकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते थे, बल्कि हजूर के पीछे खड़े होके नमाज भी पढ़ते थे मुनाफ़िक। वो मैं कह रहा हूँ यार, अगर दो गवाहियां ही काफी होती, बस दो ही, अल्लाह और उसका रसूल, तीसरी कोई नहीं। ये सियासत्ता दे रहा हूँ, शिया की कुतुब का वाला नहीं दे रहा यार, ओ सुन्नियत बता रहा हूँ सुनियो। अगर दो ही गवाहियां काफी होती तो हजूर फरमाते ठीक है भाई तो मोमन, हजूर फरमाते सुम्मा तीसरी, तीसरी सियाबा ने कहा अल्लाह और रसूल का तीसरी पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। मैं नुक्ता देना चाहता हूँ, कोई चाय की दुकानों पे बैठ के इस बात अगर मगर ना करे, किसी के मरोड़ का मैं जिम्मेदार नहीं। मेरे सामने आए हवाले खोल खोल के दिखाऊंगा, जब अल्लाह की तौहीद की गवाही ले ली, अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह के महबूब होने की गवाही ले ली, अपनी रिसालत की, नबूवत की गवाही ले ली, मेरे मुस्तफा फरमाते तीसरी, कहा हमें नहीं पता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से शिर्क का खात्मा हो गया, कुफर था, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से कुफर का खात्मा हो गया, मुनाफ़िकत थी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, अगर मुनाफ़िकत को मिटाना चाहते हो, मुनाफ़िकत को नेस्त नबूद करना चाहते हो, मुनाफ़िकत को मलिया नेक करना चाहते हो, मुनाफ़िकत को समंदर के सपोर्ट करना चाहते हो, तो आओ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देके, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देके, अली और वलीउल्लाह की गवाही भी देनी पड़ेगी। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, हैदरी, आंख बतारे दिल का चैन, आंख बतारे दिल का चैन, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। पता चला मेरा आज के किस सरजमीन पे बैठकर जिक्र अहले बैत सुनने वालों, पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह से बात नहीं बनेगी, फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह से बात नहीं बनेगी जब तक अली और वलीउल्लाह की गवाही नहीं देते। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई लड़ाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी कोई लड़ाई नहीं थी। यजीद ला इलाहा इल्लल्लाह भी मानता था, मोहम्मद मोहम्मद मानता था, लड़ाई तो अली और वलीउल्लाह की थी, तब भी उनको तकलीफ अली और वलीउल्लाह की थी, आज भी उनको तकलीफ अली और वलीउल्लाह। वो नफाक जो है, मुनाफ़िकत है, उसका कला कम ही होगा जब अली और वलीउल्लाह की गवाही दे गया, शहादत। ये बिल्कुल फर्ज ऐन है। एक नुक्ता ना फिर दूं आपको, कोई बंदा अली से मुंह मोड़ के, अली से रिश्ता तोड़ के मुझे अपना मुसलमान होना तो साबित कर दे, मैं वल्दियत में उसका नाम लिखवा लूंगा। कई अली के बगैर गुजारा हो जाऊंगा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ही काफी है, हजूर ने तो काफी नहीं कहा। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ही काफी होता तो तीसरी गवाही मेरे मुस्तफा ना देते। आपसे एक सवाल करता हूँ, कुछ लोग मानते हैं बोलते नहीं किबला, एक नुक्ता है आपकी नजर, कुछ लोग मानते हैं बोलते नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली है कि नहीं? जो अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह का वली मानता है हाथ खड़ा करे, अल्लाह का वली है कि नहीं? वो भैया मौलवी साहब, ये जो कहते हो अल्लाह के वली हैं, इसको अरबी में कहे ना तो अली उन वली अल्लाह बनता है। पता चला आप मानते हैं बोलते नहीं, हाय 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 हाय, जिसका नसीब, आप मानते हैं अली उन वली अल्लाह लेकिन बोलते नहीं। मैं बताना चाहता हूँ सहाबा अली उन वली अल्लाह मानते भी थे, बोलते भी थे,
سب سے پہلے تو مبارکباد ہی آ کے شیخ عین نے دی. میں نے ایک نقطہ نہیں دیا آپ کو, میں نے کہا علی سے منہ موڑ کے, علی سے رشتہ توڑ کے کوئی اپنا مسلمان تو ہونا ثابت کر دے. اب میں ایسی سٹیمپ لگانے لگا ہوں اس پہ, ایسی مہر لگانے لگا ہوں, کوئی مفتی کوئی علامہ اس بات کا رد نہیں کر سکتا. دنیا دیکھی ہے میں نے, آج تک کوئی مائی کا لال رد کر بھی نہیں سکا.